नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु किस भाव में बैठकर किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, केतु की महादशा और अंतरदशा आपको करोड़पति बनाकर जाएगी या केतु की महादशा और अंतरदशा में आपको भारी तनाव का सामना करना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट में केतु के कुछ महाप्रभावशाली उपाय भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन में प्रथम भाव में केतु विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति कृतघ्न होता है, किसी का एहसान ना मानने वाला और अपने कामों को स्वयं बिगाड़ने वाला होता है। केतु की महादशा और अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को लंबे समय चलने वाली बीमारी और ग्रह क्लेश का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर लगन में केतु की स्थिति बढ़िया नहीं मानी गई। सेकंड हाउस दूसरे भाव में केतु दाईं आंख में बीमारी और आकस्मिक धन की हानि करते हैं। तीसरे भाव में केतु व्यक्ति को महाभाग्यवान, महापराक्रमी, मेहनती, परिश्रमी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े ओहदे पर होता है, सरकारी अफसर बनता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है। चौथे घर में केतु व्यक्ति के सुखों में कमी करता है, जीवन में भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहती है, माता से अलग रहना पड़ता है, साथ ही साथ में भूमि, भवन और वाहन, इन तीनों कामों में सावधानी बरतनी पड़ती है। खासकर भूमि के लेन देन में व्यक्ति को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। पांचवें स्थान में केतु व्यक्ति को क्रूर बुद्धि वाला बनाता है। पांचवें स्थान में केतु संतान को भी कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाता है, जिसके पांचवें स्थान में केतु होता है। ऐसे व्यक्ति के पुत्र ज़्यादातर बिगड़ैल होते हैं। छठे स्थान में केतु व्यक्ति के जीवन में राजयोग बनाता है। छठे वाला केतु महापराक्रमी, महाप्रभावशाली होता है, राजा के निकट रहने वाला मंत्री या कोई बड़ा अफसर होता है। साथ ही साथ में छठे स्थान में केतु व्यक्ति को बिजनेस में भी बहुत तरक्की देता है और राजनीति में मंत्री पद की प्राप्ति करवाता है। सातवें स्थान में जिसके केतु होता है उसकी धर्मपत्नी नियमित रूप से क्लेश करने वाली, घर में कलह का वातावरण रखने वाली होती है। सातवें स्थान में केतु व्यापार में उसके जो व्यापारिक मित्र हैं वह व्यक्ति को धोखा देते हैं और आकस्मिक धन आने के योग बनाता है। अष्टम में केतु बहुत ही खराब माना गया है। अष्टम स्थान में जिस व्यक्ति का केतु होता है वह व्यक्ति अल्पायु माना जाता है। आमतौर पर अष्टम केतु दुर्घटना में व्यक्ति की अकाल मृत्यु का योग बनाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान यह रखना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अष्टम में केतु है तो ऐसे व्यक्ति को केतु की महादशा और अंतरदशा में केतु के उपाय बरतने चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। नवम स्थान में केतु व्यक्ति को दुर्गा की भक्ति कराता है, लेकिन कुछ समय के बाद, लगभग आयु के 35वें साल के बाद में ऐसा व्यक्ति छुप छुप कर पाप करने लगता है, निंदित आचरण करता है। दशम स्थान में केतु पिता के जीवन को संघर्षमय बनाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति का क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है और महाप्रभावशाली आदमी होता है। ग्यारहवें केतु जिसके कुंडली में होता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा साक्षात मानी जाती है, ग्यारहवें केतु व्यक्ति को बहुत तरक्की देता है। बारहवें भाव में केतु बिना मतलब के खर्चे व्यक्ति से कराता है और बाई आँख में चोट लगने का भय हमेशा बना रहता है। बारहवें केतु को बहुत बढ़िया नहीं माना गया। आठवें और बारहवें स्थान में केतु हो तो व्यक्ति को केतु के समस्त उपाय करने चाहिए। केतु का उपाय करने के लिए भैरव जी का एक तो आप मंत्र जपें, मंत्र है ओम बम बटुकाय नमः। भैरव जी के मंदिर जाकर के आप वहाँ पर तेल के पराठे कुत्तों को खिलाइए, साथ ही साथ में केतु का दान करें और अधिक से अधिक, यदि आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु अनिष्टकारक स्थिति में है तो आपको डेफिनेटली महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए, जिससे केतु ग्रह की शांति और सभी नवग्रहों की शांति हो जाती है। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे। तब तक के लिए नमस्कार।